कौन प्लांट मतलब कहलाते हैं? आवृत बीजी पौधे। पूरी पृथ्वी पर पुष्प सिर्फ आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है और किसी भी पुष्प में नहीं पाया जाता है, किसी भी पौधे में नहीं पाया जाता है। हमारी आंखों के सामने जितने भी ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी आवृत बीजी पौधे। क्या है ये सभी? आवृत बीजी पौधे। तो जब हम इनका डायग्राम लेके चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ऐसा लेके चलना है, नीचे की तरफ ये पहुंचे हम और ये हो गया हमारा पुष्पासन। अब पुष्पासन के ऊपर हमें बनाना है ये ओभरी। क्या बनाना है? ओभरी। ये ओभरी बनाना है। तो जैसे हमने पुष्पासन के ऊपर ये ओभरी का स्ट्रक्चर बनाया ये ओभरी, और ओभरी जाने के बाद हमें इसको इस पैटर्न पे बनाना है ये ऐसा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बहुत ही स्पीड से हम जो है ये बना देंगे क्या यहाँ पर, ये मेल सेक्स ऑर्गन। क्या बना देंगे? ये मेल सेक्स ऑर्गन बना देंगे। आपको इतनी प्रैक्टिस करना है कि यदि पुष्प का डायग्राम पूछा जाए तो कुछ ही सेकंड में आप डायग्राम बनाए। फिर आपको क्या करना है, इस टाइप से एक दो तीन जितनी भी इच्छा हो उतनी आप इसको बना दीजिएगा, ये इस टाइप से ये ऐसा। और इधर मन से ही कोई चीज यहाँ पर काउंट नहीं करना है और आपको ये आपको इस टाइप से ये बना देना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, यदि हमने नाम नहीं लिखा तो नंबर तो हमारे कटने वाले हैं, तो हम लिखेंगे एल एस और फ्लोर। ये फ्लोर का एल एस है। अच्छा नाम लिखें तो कोशिश करें वो एक ही तरफ लिखें, तो इसको लिखते हैं आप ब्रंथ। क्या लिखते हैं? ब्रंथ। ब्रंथ मतलब ये स्टॉक कहलाता है। इसको आप लिखते हैं क्या? सेपल्स। सेपल्स मतलब ये कहलाएगा क्या? बाह्यदल कहलाएगा। ये बाह्यदल लिखते हैं। इसको आप लिखते हैं क्या? पेटल्स। पेटल्स। पेटल्स मतलब ये कहलाएगा दल कहलाएगा। और ये कहलाएगा उमंग। क्या कहलाएगा? उमंग। इंग्लिश में आप इसको एंड्रोसियम लिख दो। एंड्रोसियम। और ये नर प्रजनन अंग होगा। नर प्रजनन अंग होगा। ये नर प्रजनन अंग होगा। और इस वाले पार्ट को आप लिख दो क्या? जायांग लिख दो। क्या लिख दो? जायांग लिख दो। इंग्लिश में लिख दो इसको गाइनोसियम। कोशिश करो इंग्लिश में नाम याद करने लगो। और ये क्या कहलाएगा? मादा प्रजनन अंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मादा प्रजनन अंग कहलाएगा।